गरीब की बारिश। शहर की कच्ची बस्ती में एक गरीब मजदूर कालू रहा करता था। कालू के घर में उसकी पत्नी जानकी थी। जानकी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लेती थी, और वहीं कालू किसी तरह मेहनत मजदूरी करके दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कालू की मजदूरी बंद हो गई थी। अरे जानकी, इस बार तो बरसात ने हद ही कर दी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, बारिश का क्या है, एक आध दिन में रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से काम शुरू हो जाएगा। अरे 3 दिन तो हो गए, बरसात तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम बंद हुआ है ना? मैं तो अभी भी लोगों के घर झाड़ू पोछा करने जाती ही हूँ, मेरे पगार से कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। अरे घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी, लेकिन ये जो छत टपक रही है इसका क्या करेंगे? ये बात तो आपकी सही है, हमारी झोपड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसके छप्पर में भी कई सारे छेद हो गए हैं, रात भर पानी टपकता रहता है। अरे मैं भी इसी बात से बहुत परेशान रहता हूँ, कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी झोपड़ी टूटकर बिखर ना जाए। राम राम राम, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है, अगर यही नहीं रही तो हम जाएंगे कहाँ। ठीक है जानकी, जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो कुछ पैसे बचाकर झोपड़ी के छप्पर की मरम्मत करवा लेंगे, शायद हमारी परेशानी कुछ कम हो जाए। ठीक है जी, अब ना ज्यादा परेशान मत हो, ये लो खाना खा लो और सो जाओ, सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है। जानकी और कालू अपनी झोपड़ी में सो गए। रात को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश का पानी कालू की बस्ती में भरने लगा। पानी भरते भरते झोपड़ी के बाहर तक पहुंच गया था। सुबह के वक्त जब कालू और जानकी सोकर उठे, हे भगवान ये क्या हो गया, बारिश का पानी तो हमारे घरों तक पहुंच चुका है, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी। रहने दो जानकी, तुम आज काम पर मत जाओ, ऐसे पानी से निकल कर जाओगी और बीमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं गई तो मालकिन लोग नाराज हो जाएंगे, आप जानते हैं ना, बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी भी नहीं देती है। अरे लेकिन जान की झोपड़ी के बाहर तो पूरी बस्ती में पानी भरा है, तुम जाओगी कैसे। जानकी जैसे तैसे करके काम पर चली जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बस्ती में ज्यादा पानी भर जाता है। आज तो मैं तुम्हें किसी भी तरह काम पर नहीं जाने दूंगा, अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो, आज नहीं जाती, अगर मालकिन नाराज हो गई तो मना लूंगी किसी तरह। अरे मनाने वाली क्या बात है, जब तुम बताओगी कि हमारी झोपड़ी में पानी भर गया है तो वो खुद ही समझ जाएंगे ना। अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की वजह से जानकी, कालू और आसपास की बस्ती में रहने वाले सभी लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जानकी काम पर नहीं जा पाती। और 3 दिन के बाद जैसे ही जानकी काम पर पहुंचती है, कहाँ थी तुम पिछले 3 दिनों से, काम पर क्यों नहीं आई। मैम साहब क्या बताऊं, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, हमारी पूरी बस्ती में पानी भर गया है और उससे भी ज्यादा तो मेरी झोपड़ी के अंदर पानी भर गया, आप ही बताइए कैसे आती मैं। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होगी तो तुम काम पर नहीं आओगी। ना ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मैम साहब, तुम जानती भी हो 3 दिन से कितनी परेशानी हो रही है मुझे, सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन जी, पर मैं क्या करती, आने के लिए रास्ता ही नहीं था, सब जगह पानी भरा हुआ था। बहाने तो तुझे बहुत बनाने आते हैं जानकी, देख अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से हमेशा के लिए छुट्टी। अरे ना ना मालकिन, ऐसा मत कीजिए, बारिश की वजह से मेरे पति की मजदूरी भी छूट गई है, बड़ी मुश्किल से घर में 2 वक्त खाने की रोटी का जुगाड़ हो पाता है, आप मुझे काम से निकाल देंगे तो हम क्या खाएंगे। अगर इतनी ही चिंता है तो फिर रोजाना काम पर आया करो, चलो अब जल्दी से जाकर घर का सारा काम करो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी,
पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। लेकिन नौकरी जाने के डर से जानकी किसी तरह रोज काम पर जाती थी। एक दिन जब जानकी काम करके अपने घर लौट आई तो अचानक उसकी बस्ती में कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। अरे लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ हाँ पता तो कीजिए, ये बस्ती में लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? बाहर जाकर कालू ने एक आदमी से पूछा। अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे क्या बताए भैया, अपने बस्ती के बाहर एक पुल टूट गया है और वहाँ पर एक कार फंसी है। थोड़ी देर में अगर किसी ने नहीं बचाया ना तो वो कार पानी में बह जाएगी। ये क्या कह रहे हो भैया, कार के अंदर कोई है क्या? हाँ कोई औरत बैठी है अकेली है, बहुत रो रही है बेचारी, मदद के लिए बुला रही है। अरे तो हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए ना। अरे लेकिन इसमें बहुत खतरा है, हमें अपने आप को बचाना चाहिए, पानी कभी भी हमारी बस्ती की तरफ आ सकता है। अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मैं तो जाकर उस औरत की मदद जरूर करूंगा। कालू उस जगह पर पहुंचता है जहां वो औरत कार में फंसी हुई थी। वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था और सारा पानी कालू की बस्ती की तरफ ही आ रहा था। कालू ने एक बड़ी सी रस्सी को पेड़ से बांध दिया और दूसरे सिरे को कार की तरफ फेंक दिया और उस औरत को रस्सी के सहारे बाहर आने के लिए कहा। तभी वहां जानकी भी दौड़ती हुई आई। अरे ये तो मेरी मालकिन है जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ। अरे मैडम जी आप डरिएगा मत, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी गाड़ी को भी मैंने रस्सी से बांध दिया है, थोड़ी देर में पानी का बहाव कम हो जाएगा फिर हम आपकी कार को भी बाहर निकाल लेंगे। क्या तुम जानकी के पति हो? हाँ हाँ जानकी मेरी ही पत्नी है, आपके यहाँ काम करती है ना। लेकिन मेम साहब आप यहाँ पानी में कैसे फंस गई? अब क्या बताऊँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी, वहीं से लौट रही थी, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मेरी गाड़ी फंस गई। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अब ना आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई थी, कब से मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। भला हो तुम्हारा पति का जिसने मेरी जान बचा ली। लेकिन जानकी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, इतने खराब मौसम और बाढ़ में भी तुम्हें काम पर आने के लिए कहा, नौकरी से निकालने की धमकी भी दी और तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बचाना तो हमारा धर्म था। देखो जानकी तुम्हारी झोपड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी, आज तुम्हारे पति ने मेरी जान बचाई है और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए अपने घर में बैठकर बारिश का मजा लेना बहुत आसान है, लेकिन तुम गरीब लोगों के लिए बाढ़ और बारिश काफी परेशानी खड़ी कर देते हैं, ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। गपूड़ी बहू। उमा जी की बहू पिंकी को गप्पे मारने की बहुत आदत थी। वो जब भी किसी के बारे में बातें करती तो बड़े बड़े गप्पे फेंका करती। आसपास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गपूड़ी बाज है, लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ उसकी बातें सुन सुनकर हंसते बहुत थे। अरे बहू पड़ोस वाली शर्मा जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है। अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना बस काफी है। अरे मम्मी जी अच्छा लगेगा क्या, पड़ोसी हैं हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू इतना काफी है। जानती हैं आप मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना तो मम्मी कुछ ना कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना, कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में।
जी मैं तो लहंगा पहन कर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी। अरे बेटा बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी, मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से, डिजाइन करवा कर। चाहे पड़ोस पे किसी का जन्मदिन हो, मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही। अरे भाभी मैं यहाँ हूँ, ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी, यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी। इसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता, उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक। अरे बेटा मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था, आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे, सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहां पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, उनके आने की तैयारी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वैसे कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट से आ रहे हैं, कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट? लेकिन बेटा तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है, तेरे मम्मी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे? अरे मम्मी जी आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना 1/2 घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। अरे गप्पे थोड़े कम मारा करो बहू, कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एयरपोर्ट होगा, तुम्हारी मम्मी क्या उड़ कर आएगी घर में? अरे हाँ मम्मी जी मैं तो भूल ही गई थी, वो क्या ना मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रेवल करते हैं, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आइए आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समदन जी हमारी बेटी की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से संभाल लिया है ना आपका घर? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको परेशान करती होगी ना। बात तो आपकी सही है, उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है। पिंकी बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती, बहुत अच्छा किया। अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने के बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुँच गए। अरे भाई कौन है आप लोग, लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं, आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा वैसे कितने का बिल बना है?
ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहाँ बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहाँ आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहाँ पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था मम्मी पापा आए हैं, तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी, कुछ कम पड़ जाए तो अच्छे थोड़ी ना लगता है, और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहाँ पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा, तुम्हारी गप मानने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा। आप लोग ठीक कहते हैं, मैं आज के बाद अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, और अब से गप थोड़ी कम मारा करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। गपूड़ी बहू। उमा जी की बहू पिंकी को गप्पे मारने की बहुत आदत थी। वो जब भी किसी के बारे में बातें करती तो बड़े बड़े गप्पे फेंका करती। आसपास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गपोड़ी बाज है। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुन सुन कर हंसते बहुत थे। अरे बहू, पड़ोस वाली शर्मा जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है। अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना, बस काफी है। अरे मम्मी जी, अच्छा लगेगा क्या? पड़ोसी हैं हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू, इतना काफी है। जानती हैं आप, मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना? कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में। जी मैं तो लहंगा पहनकर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी। अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी, मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से, डिजाइन करवा कर। चाहे पड़ोस पे किसी का जन्मदिन हो, मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही। अरे भाभी मैं यहाँ हूँ, ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी, इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी, यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी। इसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता, उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक। अरे बेटा, मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी, कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था, आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे, सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहाँ पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे, और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा,
मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके आने की तैयारी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वैसे कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट से आ रहे हैं, कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट? लेकिन बेटा तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है, तेरे मम्मी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे? अरे मम्मी जी आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना आधे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। अरे गप्पे थोड़े कम मारा करो बहू, कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एयरपोर्ट होगा। तुम्हारी मम्मी क्या उड़ कर आएगी घर में? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी, वो क्या ना मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आइए आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समधन जी, हमारी बेटी की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से संभाल लिया है ना आपका घर? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको परेशान करती होगी ना? बात तो आपकी सही है, उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है। पिंकी बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत अच्छा किया, अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठ कर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने के बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई कौन है आप लोग, लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देख कर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी कुछ कम पड़ जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहां पर आते हैं। अरे बेटा एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा। आप लोग ठीक कहते हैं, मैं आज के बाद अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, और अब से गप थोड़ी कम मारा करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। गरीब की बारिश। शहर की कच्ची बस्ती में एक गरीब मजदूर कालू रहा करता था। कालू के घर में उसकी पत्नी जानकी थी। जानकी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लेती थी।
और वहीं कालू किसी तरह मेहनत मजदूरी करके दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कालू की मजदूरी बंद हो गई थी। अरे जानकी, इस बार तो बरसात ने हद ही कर दी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, बारिश का क्या है, एक आध दिन में रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से काम शुरू हो जाएगा। अरे 3 दिन तो हो गए, बरसात तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम बंद हुआ है ना? मैं तो अभी भी लोगों के घर झाड़ू पोछा करने जाती ही हूँ, मेरे पगार से कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। अरे घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी, लेकिन ये जो छत टपक रही है इसका क्या करेंगे? ये बात तो आपकी सही है, हमारी झोपड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसके छप्पर में भी कई सारे छेद हो गए हैं, रात भर पानी टपकता रहता है। अरे मैं भी इसी बात से बहुत परेशान रहता हूँ, कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी झोपड़ी टूट कर बिखर ना जाए। राम राम राम, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है, अगर यही नहीं रही तो हम जाएंगे कहाँ। ठीक है जानकी, जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो कुछ पैसे बचा कर झोपड़ी के छप्पर की मरम्मत करवा लेंगे, शायद हमारी परेशानी कुछ कम हो जाए। ठीक है जी, अब ना ज्यादा परेशान मत हो, ये लो खाना खा लो और सो जाओ, सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है। जानकी और कालू अपनी झोपड़ी में सो गए। रात को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश का पानी कालू की बस्ती में भरने लगा। पानी भरते भरते झोपड़ी के बाहर तक पहुंच गया था। सुबह के वक्त जब कालू और जानकी सोकर उठे, हे भगवान ये क्या हो गया, बारिश का पानी तो हमारे घरों तक पहुंच चुका है, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी। रहने दो जानकी, तुम आज काम पर मत जाओ, ऐसे पानी से निकल कर जाओगी और बीमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं गई तो मालकिन लोग नाराज हो जाएंगे, आप जानते हैं ना, बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी भी नहीं देती है। अरे लेकिन जान की झोपड़ी के बाहर तो पूरी बस्ती में पानी भरा है, तुम जाओगी कैसे। जान की जैसे तैसे करके काम पर चली जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बस्ती में ज्यादा पानी भर जाता है। आज तो मैं तुम्हें किसी भी तरह काम पर नहीं जाने दूंगा, अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो, आज नहीं जाती, अगर मालकिन नाराज हो गई तो मना लूंगी किसी तरह। अरे मनाने वाली क्या बात है, जब तुम बताओगी कि हमारी झोपड़ी में पानी भर गया है तो वो खुद ही समझ जाएंगे ना। अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की वजह से जानकी, कालू और आसपास की बस्ती में रहने वाले सभी लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जानकी काम पर नहीं जा पाती। और 3 दिन के बाद जैसे ही जानकी काम पर पहुंचती है, कहाँ थी तुम पिछले 3 दिनों से, काम पर क्यों नहीं आई। मैम साहब क्या बताऊं, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, हमारी पूरी बस्ती में पानी भर गया है और उससे भी ज्यादा तो मेरी झोपड़ी के अंदर पानी भर गया, आप ही बताइए कैसे आती मैं। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होगी तो तुम काम पर नहीं आओगी। ना ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मैम साहब, तुम जानती भी हो 3 दिन से कितनी परेशानी हो रही है मुझे, सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन जी, पर मैं क्या करती, आने के लिए रास्ता ही नहीं था, सब जगह पानी भरा हुआ था। बहाने तो तुझे बहुत बनाने आते हैं जानकी, देख अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से हमेशा के लिए छुट्टी। अरे ना ना मालकिन, ऐसा मत कीजिए, बारिश की वजह से मेरे पति की मजदूरी भी छूट गई है, बड़ी मुश्किल से घर में 2 वक्त खाने की रोटी का जुगाड़ हो पाता है, आप मुझे काम से निकाल देंगे तो हम क्या खाएंगे। अगर इतनी ही चिंता है तो फिर रोजाना काम पर आया करो, चलो अब जल्दी से जाकर घर का सारा काम करो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, लेकिन नौकरी जाने के डर से जानकी किसी तरह रोज काम पर जाती थी। एक दिन जब जानकी काम करके अपने घर लौट आई तो अचानक उसकी बस्ती में कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया।
अरे लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ हाँ पता तो कीजिए, ये बस्ती में लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं। बाहर जाकर कालू ने एक आदमी से पूछा, अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे क्या बताए भैया, अपने बस्ती के बाहर एक पुल टूट गया है और वहाँ पर एक कार फंसी है। थोड़ी देर में अगर किसी ने नहीं बचाया ना तो वो कार पानी में बह जाएगी। ये क्या कह रहे हो भैया, कार के अंदर कोई है क्या? हाँ कोई औरत बैठी है अकेली है, बहुत रो रही है बेचारी, मदद के लिए बुला रही है। अरे तो हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए ना। अरे लेकिन इसमें बहुत खतरा है, हमें अपने आप को बचाना चाहिए, पानी कभी भी हमारी बस्ती की तरफ आ सकता है। अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मैं तो जाकर उस औरत की मदद जरूर करूंगा। कालू उस जगह पर पहुंचता है जहां वो औरत कार में फंसी हुई थी। वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था और सारा पानी कालू की बस्ती की तरफ ही आ रहा था। कालू ने एक बड़ी सी रस्सी को पेड़ से बांध दिया और दूसरे सिरे को कार की तरफ फेंक दिया और उस औरत को रस्सी के सहारे बाहर आने के लिए कहा। तभी वहां जानकी भी दौड़ती हुई आई। अरे ये तो मेरी मालकिन है जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ। अरे मैडम जी आप डरिएगा मत, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी गाड़ी को भी मैंने रस्सी से बांध दिया है, थोड़ी देर में पानी का बहाव कम हो जाएगा फिर हम आपकी कार को भी बाहर निकाल लेंगे। क्या तुम जानकी के पति हो? हाँ हाँ जानकी मेरी ही पत्नी है, आपके यहाँ काम करती है ना। लेकिन मेम साहब आप यहाँ पानी में कैसे फंस गई? अब क्या बताऊँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी, वहीं से लौट रही थी, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मेरी गाड़ी फंस गई। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अब ना आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई थी, कब से मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। भला हो तुम्हारा पति का जिसने मेरी जान बचा ली। लेकिन जानकी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, इतने खराब मौसम और बाढ़ में भी तुम्हें काम पर आने के लिए कहा, नौकरी से निकालने की धमकी भी दी और तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बचाना तो हमारा धर्म था। देखो जानकी तुम्हारी झोपड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी, आज तुम्हारे पति ने मेरी जान बचाई है और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए अपने घर में बैठकर बारिश का मजा लेना बहुत आसान है, लेकिन तुम गरीब लोगों के लिए बाढ़ और बारिश काफी परेशानी खड़ी कर देते हैं, ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। गरीब की शादी। शशि की सौतेली माँ ने उसकी शादी की तो बड़े घर में, लेकिन पति कोई काम ना करता। आप ससुर जी के साथ काम पर क्यों नहीं जाते? हाँ जाऊंगा लेकिन कल से, आज जरा मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। शशि के दो बच्चे होते हैं लेकिन रमेश का हाल वैसा का वैसा ही रहता है। एक दिन, सुनिए ना बच्चा रो रहा है, इसके दूध के लिए पैसे नहीं है। अरे तो पिताजी से ले लो ना। क्यों, अगर आप में कमाने की क्षमता नहीं थी तो शादी क्यों की? तभी घर आई बड़ी ननद बोल पड़ती है, आहा तुम्हारी माँ को साफ साफ कह दिया था कि लड़का ना कमाता है ना कभी कमाएगा, हम चार चार बहने हैं इसका ख्याल रखने के लिए और पिताजी का इतना सारा पैसा, तुम्हें किस चीज की कमी रखी है? लेकिन थोड़े ही सालों में तकदीर बदल जाती है, शशि का ससुराल गरीब हो जाता है। सब बिकने के बाद शशि अपने पति बच्चे और सास के साथ किराए के मकान में आ जाती है। मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ दीदी। अरे इतने बड़े घर की बहू थी शशि, तुम नौकरी करोगी? नहीं 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 नहीं, नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा, बच्चों को भी तो पालना है ना। तभी शशि का भाई आ जाता है।
शशि ये ले राशन का सामान, किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो बताना। भाई अब मैं नौकरी करूंगी। देख बहन, वैसे तो मैं तेरे साथ हूं, लेकिन हाँ मैं ये भी चाहता हूं कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो जा। शशि को एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को संभालने की नौकरी मिल जाती है। एक दिन, शशि मेरे स्कूल को अब तुम संभाल लो, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास जा रही हूं। लेकिन प्ले स्कूल अकेले मैंने कभी नहीं संभाला है। अब ये सब मैं नहीं जानती, इतने महीनों में तूने जो देखा बस पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे करना। शशि नीलम के जाने के बाद पूरे एक महीने उसका स्कूल अकेले संभालती है, और फिर एक दिन आता है जब वो अपना खुद का स्कूल भी खोल लेती है। वाह शशि, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, तुम्हारा यही आत्मविश्वास तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। नीलम, बहुत आगे जाने की चाह नहीं है, बस ये छोटा सा स्कूल मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा में मेरी मदद करे, यही मैं चाहती हूं। शशि थोड़े थोड़े पैसों से ही अपना परिवार पाल रही थी। एक दिन उसके घर उसकी बड़ी ननद आती है। अरे भाभी, घर में कूलर तो लगा लेती, मेरी माँ को कैसे पंखे में लिटा रखा है। अरे तो शशि कौन सा एसी लगा कर सो रही है, वो भी तो यहीं रहती है ना मेरे पास, ज्यादा यहाँ आकर मेरी बहू को परेशान ना किया करो। हाँ हाँ, मुझे भी शौक नहीं है इस छोटे से घर में आने का, मैं तो बस ये बोलने आई थी कि मेरे बेटे की शादी है तो ननिहाल का जो नेग होता है वो ले आना। हाँ हाँ, जितना बनेगा कर देंगे, और ना हुआ ना तो वो भी नहीं करेंगे। तभी शशि बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं माँ जी, रीटा घर की बेटी है, उसके ससुराल वाले उससे शादी पर पूछेंगे कि मायके से क्या मिला। रीटा तुम मुझे सामान की लिस्ट भेज देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करें। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ। शशि ये बोलकर किचन में चली जाती है। धीरे धीरे कर शशि किसी न किसी तरह अपनी सारी ननदों की डिमांड भी पूरी करती, बच्चों की ख्वाहिशें भी, और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती। एक दिन जब शशि का बेटा 12वीं पास करके आता है, माँ अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अब कोई ना कोई नौकरी करके पढ़ाई भी साथ कर लिया करूंगा। शशि को लगता है कि बेटा और आगे पढ़ाई करे, लेकिन वक्त की मार के कारण वो बेटे को काम के लिए हाँ कर देती है। अब बेटा एक बैंक में चपरासी बन जाता है। है लड़का, देखने में तो बड़ा अच्छा है, अंग्रेजी भी पटर पटर बोलता है, फिर चपरासी क्यों? लड़का सारी बात मैनेजर को बता देता है। अच्छा तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू यहाँ रहकर दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम सीख, अगर तू किसी एक का भी काम अच्छे से सीख गया तो मैं तुझे यहाँ टेबल चेयर में बैठने वाली नौकरी दे दूंगा। लेकिन एक दिन शशि की ननद उसे फोन करती है। अरे भाभी देखो, मायका तो मेरा तुम लोगों से ही है, मैंने आपके बेटे और मेरे भतीजे प्रदीप के लिए यहाँ एक नौकरी देखी है, पूरे 5,000 मिलेंगे। वैसे करता ही क्या है, चपरासी ही तो है ना। कोई बात नहीं रीटा, मैं उसे इस शहर के बाहर नहीं भेजना चाहती हूँ, बाकी वो शाम को आएगा तो मैं पूछ लेती हूँ। वहीं प्रदीप मैनेजर की बात से खुश हो जाता है और मैनेजर के काम पर ही नज़र रखने लगता है। वो उनकी तरह के पेपर पढ़ता, काम करता और आने वाले लोगों की बातें सुनता। एक दिन बैंक में ऑडिट वाले आते हैं। ये गलत है, पूरी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ए मैनेजर क्या करते हो, बैंक के पैसों का हिसाब सही नहीं है। मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं। तभी प्रदीप वहां जाता है। अब क्या मैं ये बैलेंस शीट देख सकता हूँ? अरे बेटा मजाक नहीं, जाओ पानी लेकर आओ एक ग्लास। प्रदीप मैनेजर को पानी लाकर देता है और फिर ऑडिटर से कहता है, देखिए सर मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे बैलेंस शीट को आप लोग गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। ऐसा बोलकर प्रदीप एक एक कर सारे डाउट क्लियर कर देता है। अरे हाँ, ये तो पॉइंट हमने देखे ही नहीं थे, गुड, कौन है ये बच्चा? तभी मैनेजर बोल पड़ता है, अब
हमारे यहाँ अकाउंट में नया आया है। ऑडिटर के जाने के बाद, वाह प्रदीप, आज तो तुमने मेरी नौकरी बचा ली। और आपने भी तो मेरी नई नौकरी लगा दी अकाउंटेंट की। बस फिर क्या था, प्रदीप ने एक बार जो सफलता की सीढ़ी चढ़ी, बस चढ़ता ही चला जाता है। फिर एक दिन शशि की ननद। अरे भाभी कैसी हो, घर को तो बड़ा ही सुंदर चमका रखा है। अरे बेटी कैसे आना हुआ, तू तो इस छोटे से घर में आना भी नहीं चाहती थी, कोई खास काम है क्या? अब हाँ, वो माँ मेरा जो मझला बेटा है ना, वो अकाउंट से पढ़ाई कर रहा है, तो प्रदीप से बोलकर उसकी भी कहीं अच्छी नौकरी लगा दो ना। सास और शशि समझ जाते हैं कि कैसे पैसे आते ही लोगों के बात करने के तरीके से लेकर रिश्ते निभाने तक में बदलाव आ जाता है। गरीब की शादी। शशि की सौतेली माँ ने उसकी शादी की तो बड़े घर में, लेकिन पति कोई काम ना करता। आप ससुर जी के साथ काम पर क्यों नहीं जाते? हाँ जाऊंगा, लेकिन कल से, आज जरा मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। शशि के दो बच्चे होते हैं, लेकिन रमेश का हाल वैसा का वैसा ही रहता है। एक दिन, सुनिए ना बच्चा रो रहा है, इसके दूध के लिए पैसे नहीं है। अरे तो पिताजी से ले लो ना। क्यों, अगर आप में कमाने की क्षमता नहीं थी तो शादी क्यों की? तभी घर आई बड़ी ननद बोल पड़ती है, आहा, तुम्हारी माँ को साफ साफ कह दिया था कि लड़का ना कमाता है ना कभी कमाएगा, हम चार चार बहने हैं इसका ख्याल रखने के लिए, और पिताजी का इतना सारा पैसा, तुम्हें किस चीज की कमी रखी है? लेकिन थोड़े ही सालों में तकदीर बदल जाती है, शशि का ससुराल गरीब हो जाता है। सब बिकने के बाद शशि अपने पति, बच्चे और सास के साथ किराए के मकान में आ जाती है। मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ दीदी। अरे इतने बड़े घर की बहू थी शशि, तुम नौकरी करोगी? नहीं 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 नहीं, नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा, बच्चों को भी तो पालना है ना। तभी शशि का भाई आ जाता है। शशि ये ले राशन का सामान, किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो बताना। भाई अब मैं नौकरी करूंगी। देख बहन, वैसे तो मैं तेरे साथ हूं, लेकिन हाँ मैं ये भी चाहता हूं कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो जा। शशि को एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को संभालने की नौकरी मिल जाती है। एक दिन, शशि मेरे स्कूल को अब तुम संभाल लो, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास जा रही हूँ। लेकिन प्ले स्कूल अकेले मैंने कभी नहीं संभाला है। अब ये सब मैं नहीं जानती, इतने महीनों में तूने जो देखा बस पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे करना। शशि नीलम के जाने के बाद पूरे एक महीने उसका स्कूल अकेले संभालती है, और फिर एक दिन आता है जब वो अपना खुद का स्कूल भी खोल लेती है। वाह शशि, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, तुम्हारा यही आत्मविश्वास तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। नीलम बहुत आगे जाने की चाह नहीं है, बस ये छोटा सा स्कूल मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा में मेरी मदद करे, यही मैं चाहती हूँ। शशि थोड़े थोड़े पैसों से ही अपना परिवार पाल रही थी। एक दिन उसके घर उसकी बड़ी ननद आती है। अरे भाभी घर में कूलर तो लगा लेती, मेरी माँ को कैसे पंखे में लिटा रखा है। अरे तो शशि कौन सा एसी लगा कर सो रही है, वो भी तो यहीं रहती है ना मेरे पास, ज्यादा यहाँ आकर मेरी बहू को परेशान ना किया करो। हाँ हाँ मुझे भी शौक नहीं है इस छोटे से घर में आने का, मैं तो बस ये बोलने आई थी कि मेरे बेटे की शादी है तो ननिहाल का जो नेग होता है वो ले आना।
हाँ हाँ जितना बनेगा कर देंगे, और ना हुआ ना तो वो भी नहीं करेंगे। तभी शशि बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं माँ जी, रीटा घर की बेटी है, उसके ससुराल वाले उससे शादी पर पूछेंगे कि मायके से क्या मिला। रीटा तुम मुझे सामान की लिस्ट भेज देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करें। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ। शशि ये बोलकर किचन में चली जाती है। धीरे धीरे कर शशि किसी न किसी तरह अपनी सारी ननदों की डिमांड भी पूरी करती, बच्चों की ख्वाहिशें भी और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती। एक दिन जब शशि का बेटा 12वीं पास करके आता है, माँ अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अब कोई ना कोई नौकरी करके पढ़ाई भी साथ कर लिया करूंगा। शशि को लगता है कि बेटा और आगे पढ़ाई करे, लेकिन वक्त की मार के कारण वो बेटे को काम के लिए हाँ कर देती है। अब बेटा एक बैंक में चपरासी बन जाता है। है लड़का, देखने में तो बड़ा अच्छा है, अंग्रेजी भी पटर पटर बोलता है, फिर चपरासी क्यों? लड़का सारी बात मैनेजर को बता देता है। अच्छा तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू यहाँ रहकर दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम सीख। अगर तू किसी एक का भी काम अच्छे से सीख गया तो मैं तुझे यहाँ टेबल चेयर में बैठने वाली नौकरी दे दूंगा। लेकिन एक दिन शशि की ननद उसे फोन करती है। अरे भाभी देखो मायका तो मेरा तुम लोगों से ही है, मैंने आपके बेटे और मेरे भतीजे प्रदीप के लिए यहाँ एक नौकरी देखी है, पूरे 5,000 मिलेंगे। वैसे करता ही क्या है, चपरासी ही तो है ना। कोई बात नहीं रीटा, मैं उसे इस शहर के बाहर नहीं भेजना चाहती हूँ, बाकी वो शाम को आएगा तो मैं पूछ लेती हूँ। वहीं प्रदीप मैनेजर की बात से खुश हो जाता है और मैनेजर के काम पर ही नजर रखने लगता है। वो उनकी तरह के पेपर पढ़ता, काम करता और आने वाले लोगों की बातें सुनता। एक दिन बैंक में ऑडिट वाले आते हैं। ये गलत है, पूरी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ए मैनेजर क्या करते हो, बैंक के पैसों का हिसाब सही नहीं है। मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं। तभी प्रदीप वहां जाता है। अब क्या मैं ये बैलेंस शीट देख सकता हूँ? अरे बेटा मजाक नहीं, जाओ पानी लेकर आओ एक ग्लास। प्रदीप मैनेजर को पानी लाकर देता है और फिर ऑडिटर से कहता है, देखिए सर मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे बैलेंस शीट को आप लोग गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। ऐसा बोलकर प्रदीप एक एक कर सारे डाउट क्लियर कर देता है। अरे हाँ ये तो पॉइंट हमने देखे ही नहीं थे, गुड, कौन है ये बच्चा? तभी मैनेजर बोल पड़ता है, अब हमारे यहाँ अकाउंट में नया आया है। ऑडिटर के जाने के बाद, वाह प्रदीप आज तो तुमने मेरी नौकरी बचा ली। और आपने भी तो मेरी नई नौकरी लगा दी अकाउंटेंट की। बस फिर क्या था, प्रदीप ने एक बार जो सफलता की सीढ़ी चढ़ी, बस चढ़ता ही चला जाता है। फिर एक दिन शशि की ननद। अरे भाभी कैसी हो, घर को तो बड़ा ही सुंदर चमका रखा है। अरे बेटी कैसे आना हुआ, तू तो इस छोटे से घर में आना भी नहीं चाहती थी, कोई खास काम है क्या? अब हाँ, वो माँ मेरा जो मझला बेटा है ना, वो अकाउंट से पढ़ाई कर रहा है, तो प्रदीप से बोलकर उसकी भी कहीं अच्छी नौकरी लगा दो ना। सास और शशि समझ जाते हैं कि कैसे पैसे आते ही लोगों के बात करने के तरीके से लेकर रिश्ते निभाने तक में बदलाव आ जाता है। रेखा के पिता दिल्ली में किसी तरह अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, पर एक दिन, अरे रमेश तुम्हारी बेटी के तो समझो भाग्य ही खुल गए, वकील लड़के का रिश्ता आया है। अरे वाह कब करना चाहते हैं शादी? वो लोग तो जल्द से जल्दी करेंगे, बाकी शाम को मैंने रेखा को देखने के लिए बुला लिया है,
तेरा घर छोटा है तो तुम लोग मेरे घर ही आ जाना। राकेश और उसकी बीवी सारी तैयारी के साथ रोहित और रेखा की शादी कर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन, देखो रेखा, शादी भले ही हो गई है लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं किसी जोरू के गुलाम टाइप रहूंगा। रेखा को रोहित की बात अजीब लगती है। मैं ये तो सोच भी नहीं सकती और ना ही चाहती हूँ, लेकिन शादी के अगले ही दिन इस तरह की बात की उम्मीद भी नहीं थी। रोहित रेखा के मुंह से ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। अरे काफी जबान भी चला लेती हो, माँ ने सिखाया नहीं कि पति से कैसे बात करते हैं? रेखा अब चुप रहने में ही भलाई समझती है। रेखा जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो, आज पहला दिन है, सारे काम तुम्हें समझा दूंगी। ये नौकरानी है जो तुम्हें बता देगी कि कैसे कैसे क्या करना है, फिर इसकी कल से छुट्टी है। रेखा भी ससुराल में जी जान लगाकर काम करने लगती है। खाली समय मिलता तो पति के वकालत की किताब उठाकर पढ़ने लगती। ये क्या, जब देखो तब पढ़ती रहती है। अच्छा सुन, कल पिता के घर से 20,000 रुपये लेकर आना, मेरे छोटे बेटे की फीस भरनी है। लेकिन पापा क्यों भरेंगे उसकी फीस? अरे बाजी वाह, पापा क्यों भरेंगे तो ये बता, हम क्यों रखेंगे तुझे यहाँ, क्यों खाना देंगे फ्री में? अरे क्योंकि मैं बहू हूँ इस घर की। तभी वहाँ रोहित आ जाता है। अरे वाह, बड़ी जबान चला रही हो, चुपचाप माँ जो कह रही है वैसा कर, वरना सामान उठा और जा अपनी झोपड़ी में। बेचारी रेखा क्या करती, पिता के घर जाती है, उनको सारा हाल बताती है। पिता भी जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर बेटी को ससुराल के लिए विदा करते हैं। देखा अब कहां से आए पैसे, अरे बहुत माल है तुम लोगों के पास, बस सीधी उंगली से निकालते नहीं। नहीं नहीं माँ, पापा ने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर पैसों का इंतजाम किया है, पता नहीं अब वो ऑफिस कैसे जाएंगे। अरे वाह भाई, ये भी हम सोचे। खैर जैसे तैसे दिन बीतते हैं। रेखा जहाँ एक प्यारे से बेटे की माँ बनती है तो वहीं उसका वकालत की किताब में ज्ञान और गहराता जाता है। हे भगवान, बुरे फंसे, ये केस तो लगता है कि मैं हार ही जाऊंगा। देखिए मैंने आपकी इस केस की फाइल पढ़ी थी, इस केस को जीतना बहुत ही आसान है। वाह भाई वाह, यहाँ वकालत की डिग्री लेकर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और तुमने रोटी बनाते बनाते ही केस समझ लिया। अरे जाओ जाओ, जाकर मुन्ने को संभालो, केस मैं संभालूंगा। ए लड़की सुन, जाकर अपने बाप के यहाँ से 3 लाख लेकर आ, पूरा घर फिर से बनाना है। छोटे की शादी करूंगी तो छोटी बहू को कहाँ रखूंगी, पूरा घर तो तूने घेर रखा है। ऐसा मत बोली माँ जी, पापा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, अब तो वो रिटायर भी हो गए हैं। हाँ तभी तो बोल रही हूँ, रिटायरमेंट के पैसे तो मिले होंगे ना। लेकिन वो अगर आपको दे देंगे तो बुढ़ापा कैसे काटेंगे? रोहित रेखा की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। ए सुन, चल अपना सामान उठा, अपना बच्चा उठा और निकल यहाँ से। रेखा के लाख आग्रह के बाद भी रोहित और उसकी सास उसे घर में नहीं रखते। पापा मैं तलाक चाहती हूँ। बेटा मेरे पास वकील के पैसे नहीं है। पापा आप मुझे वकालत करवा दीजिए, अपना केस मैं खुद लड़ूंगी। इस बार रेखा के पिता भी उसे ससुराल ना भेजकर रिटायरमेंट के पैसों से वकालत करवाते हैं। और फिर एक दिन कोर्ट के बाहर, रोहित आज तुम अपना ही केस हार गए, वो भी उस लड़की से जिसकी तुमने कभी कदर ही नहीं की। रेखा मुझे माफ कर दो, मैं इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से लाऊंगा, मैं हर महीने पैसे नहीं दे सकता तुमको। पैसे वहीं से लाना जहाँ से तुम मेरे पापा को लाने के लिए मजबूर करते थे। एक पिता अपनी बेटी की शादी उसकी खुशहाली के लिए करता है, ना कि सारी जिंदगी कर्जदार बनने के लिए। अरे मेरे ही बेटे की किताब पढ़ पढ़ कर ज्ञान बांट रही हो, वकालत की किताब तो ससुराल में ही पढ़ी थी ना। बिल्कुल, यहाँ मेरी गलती रही, जिस पैसे से मैंने इसकी शादी की थी मुझे वो पैसे पहले इसकी पढ़ाई में लगाना चाहिए था। और आज रेखा एक जानी मानी वकील के रूप में काम कर रही है।
रेखा के पिता दिल्ली में किसी तरह अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। पर एक दिन, अरे रमेश, तुम्हारी बेटी के तो समझो भाग्य ही खुल गए, वकील लड़के का रिश्ता आया है। अरे वाह, कब करना चाहते हैं शादी? वो लोग तो जल्द से जल्दी करेंगे, बाकी शाम को मैंने रेखा को देखने के लिए बुला लिया है। तेरा घर छोटा है तो तुम लोग मेरे घर ही आ जाना। राकेश और उसकी बीवी सारी तैयारी के साथ रोहित और रेखा की शादी कर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन, देखो रेखा, शादी भले ही हो गई है लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं किसी जोरू के गुलाम टाइप रहूंगा। रेखा को रोहित की बात अजीब लगती है। मैं ये तो सोच भी नहीं सकती और ना ही चाहती हूँ, लेकिन शादी के अगले ही दिन इस तरह की बात की उम्मीद भी नहीं थी। रोहित रेखा के मुंह से ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। अरे काफी जबान भी चला लेती हो, माँ ने सिखाया नहीं कि पति से कैसे बात करते हैं? रेखा अब चुप रहने में ही भलाई समझती है। रेखा जल्दी से नाश्ता तैयार कर लो, आज पहला दिन है, सारे काम तुम्हें समझा दूंगी। ये नौकरानी है जो तुम्हें बता देगी कि कैसे कैसे क्या करना है, फिर इसकी कल से छुट्टी है। रेखा भी ससुराल में जी जान लगाकर काम करने लगती है। खाली समय मिलता तो पति के वकालत की किताब उठाकर पढ़ने लगती। ये क्या, जब देखो तब पढ़ती रहती है। अच्छा सुन, कल पिता के घर से 20,000 रुपये लेकर आना, मेरे छोटे बेटे की फीस भरनी है। लेकिन पापा क्यों भरेंगे उसकी फीस? अरे बाजी वाह, पापा क्यों भरेंगे तो ये बता, हम क्यों रखेंगे तुझे यहाँ, क्यों खाना देंगे फ्री में? अरे क्योंकि मैं बहू हूँ इस घर की। तभी वहाँ रोहित आ जाता है। अरे वाह, बड़ी जबान चला रही हो, चुपचाप माँ जो कह रही है वैसा कर, वरना सामान उठा और जा अपनी झोपड़ी में। बेचारी रेखा क्या करती, पिता के घर जाती है, उनको सारा हाल बताती है। पिता भी जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर बेटी को ससुराल के लिए विदा करते हैं। देखा अब कहां से आए पैसे, अरे बहुत माल है तुम लोगों के पास, बस सीधी उंगली से निकालते नहीं। नहीं नहीं माँ, पापा ने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर पैसों का इंतजाम किया है, पता नहीं अब वो ऑफिस कैसे जाएंगे। अरे वाह भाई, ये भी हम सोचे। खैर जैसे तैसे दिन बीतते हैं। रेखा जहाँ एक प्यारे से बेटे की माँ बनती है तो वहीं उसका वकालत की किताब में ज्ञान और गहराता जाता है। हे भगवान, बुरे फंसे, ये केस तो लगता है कि मैं हार ही जाऊंगा। देखिए मैंने आपकी इस केस की फाइल पढ़ी थी, इस केस को जीतना बहुत ही आसान है। वाह भाई वाह, यहाँ वकालत की डिग्री लेकर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और तुमने रोटी बनाते बनाते ही केस समझ लिया। अरे जाओ जाओ, जाकर मुन्ने को संभालो, केस मैं संभालूंगा। ए लड़की सुन, जाकर अपने बाप के यहाँ से 3 लाख लेकर आ, पूरा घर फिर से बनाना है। छोटे की शादी करूंगी तो छोटी बहू को कहाँ रखूंगी, पूरा घर तो तूने घेर रखा है। ऐसा मत बोली माँ जी, पापा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, अब तो वो रिटायर भी हो गए हैं। हाँ तभी तो बोल रही हूँ, रिटायरमेंट के पैसे तो मिले होंगे ना। लेकिन वो अगर आपको दे देंगे तो बुढ़ापा कैसे काटेंगे? रोहित रेखा की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। ए सुन, चल अपना सामान उठा, अपना बच्चा उठा और निकल यहाँ से। रेखा के लाख आग्रह के बाद भी रोहित और उसकी सास उसे घर में नहीं रखते। पापा मैं तलाक चाहती हूँ। बेटा मेरे पास वकील के पैसे नहीं है। पापा आप मुझे वकालत करवा दीजिए, अपना केस मैं खुद लड़ूंगी। इस बार रेखा के पिता भी उसे ससुराल ना भेजकर रिटायरमेंट के पैसों से वकालत करवाते हैं। और फिर एक दिन कोर्ट के बाहर, रोहित आज तुम अपना ही केस हार गए, वो भी उस लड़की से जिसकी तुमने कभी कदर ही नहीं की। रेखा मुझे माफ कर दो, मैं इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से लाऊंगा, मैं हर महीने पैसे नहीं दे सकता तुमको। पैसे वहीं से लाना जहाँ से तुम मेरे पापा को लाने के लिए मजबूर करते थे। एक पिता अपनी बेटी की शादी उसकी खुशहाली के लिए करता है, ना कि सारी जिंदगी कर्जदार बनने के लिए। अरे मेरे ही बेटे की किताब पढ़ पढ़ कर ज्ञान बांट रही हो,
वकालत की किताब तो ससुराल में ही पड़ी थी ना। बिल्कुल, यहाँ मेरी गलती रही। जिस पैसे से मैंने इसकी शादी की थी, मुझे वो पैसे पहले इसकी पढ़ाई में लगाना चाहिए था। और आज रेखा एक जानी मानी वकील के रूप में काम कर रही है। गरीब भाई की अमीर बहन। किशोर और पिद्दी दो भाई बहन थे। पिद्दी बहुत खर्चीले स्वभाव की थी। वो जितना कमाती अपने ऐशो आराम में पैसे उड़ा दिया करती। लेकिन किशोर समझदार था, घर को साथ लेकर चलना जानता था। अपनी बहन के जितना कमाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह घर का खर्च चला लेता था। एक दिन पिद्दी किशोर से कहती है, किशोर तुम थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं कमाते? मेरे दोस्त रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बहन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगले महीने रक्षाबंधन है, मुझे सोने का हार चाहिए, इससे कम कुछ भी ना लूंगी। अरे दिला दूंगा बहन। किशोर को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसकी माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है, अब वो सोने का हार कहाँ से लाएगा। अगले दिन किशोर सुबह सुबह घर से ये बोलकर निकल गया कि पिद्दी मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। किशोर ने अपने काम के साथ साथ फेरी में कपड़े बेचने भी शुरू कर दिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। रात में वो एक बिल्डिंग की चौकीदारी भी करने लगा। अपने काम से थोड़ा बहुत समय निकाल कर बस कुछ घंटे की नींद ले पाता था। और कब वो कुछ दिन एक महीने में बदल गए और रक्षाबंधन भी आ गया, पता ही नहीं चला। लेकिन किशोर अभी तक घर वापस नहीं लौटा। जहां वो काम करता था, पिद्दी के नाम का गुल्लक रखा हुआ था। किशोर ने उस गुल्लक को फोड़ा और सारे पैसे इकट्ठा करके एक सोने का हार खरीद लिया। घर में पिद्दी किशोर का इंतजार कर रही थी, तभी किशोर आता है। कहाँ चले गए थे? 4 दिन का कहा था और 1 महीने से पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैंने बस एक हार मांगा था और तुमने तो घर ही छोड़ दिया। अरे मुझे थोड़ा काम मिल गया था। कुछ नहीं, सब समझती हूँ, बहाने थे तुम्हारे। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते, कैसे भाई हो? चलो यहाँ बैठो, राखी बांधती हूँ। पिद्दी ने किशोर को राखी बांधी। वैसे ही किशोर ने अपनी बहन के हाथ में सोने का हार रख दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मिठाई खिलाए बिना ही नेकलेस लेकर चली गई और शीशे के सामने अपने गले में हार रखकर देखने लगी। किशोर ने लड्डू उठाया और खुद ही खा लिया। ऐसे कई साल गुजर गए। एक दिन पिद्दी की नौकरी छूट गई। अब वो पूरी तरह किशोर पर डिपेंड हो गई थी। आए दिन किशोर को अपने महंगे महंगे शौक गिनाकर उससे पैसे मांगा करती थी। किशोर कुछ पैसे देना, मुझे पार्लर जाना है। किशोर बिना कुछ बोले उसे पैसे दे देता। ये क्या, 500? अरे इतने में तो मुझे पार्लर में एंट्री मिलेगी बस। अच्छा देता हूँ ना ज्यादा। अरे कैसे भाई हो, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। किशोर ने जेब से 2000 का नोट निकाला और उसे दे दिया। किशोर गरीबी में रह लेता था, लेकिन अपनी बहन को कभी कोई कमी नहीं होने देता था। बेटा पिद्दी तुम्हारी बहन है, उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना और उसका ध्यान रखना, क्योंकि भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ध्यान रखना। किशोर ने माँ की कही ये बात हमेशा के लिए याद कर ली थी। शायद माँ की इसी बात की वजह से किशोर पिद्दी की हर जिद पूरी करता चला आ रहा था। किशोर आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना। किशोर पिद्दी को समझाता है, लेकिन पिद्दी नाराज होकर चली गई और अपने कमरे में सुबक सुबक कर रोने लगी। किशोर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पिद्दी को दे देता है। किशोर खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लेकिन पिद्दी को राजकुमारी की तरह रखता। पिद्दी के जाने के बाद किशोर अपने काम पर निकल गया। एक तरफ पिद्दी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पिद्दी एक लड़के को लेकर घर आई और उसे किशोर से मिलवाया। किशोर मुझे इस लड़के से शादी करनी है, लेकिन इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनको दहेज में एक कार चाहिए, तभी वो मेरा और पंकज का रिश्ता कबूल करेंगे।
लेकिन बहन, कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने के बराबर तो नहीं है। अरे कैसे भाई हो तुम, अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते? देखो मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें एक साल में मेरे लिए कार खरीदनी ही होगी। अच्छा पंकज, एक काम करो, कल तुम अपने माता पिता को घर बुला लो, मैं उनसे तुम्हारे और पिद्दी के रिश्ते की बात कर लेता हूँ। अगले दिन किशोर के छोटे से घर में पंकज और उसके माता पिता आते हैं। बेटा, तुम्हारी बहन ने हमारी शर्त तो बता ही दी होगी। जी। बेटा तुम तो इतने छोटे घर में रहते हो, दहेज कहाँ से लाओगे? मैं अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पंकज और पिद्दी का रिश्ता तय हो जाता है। किशोर अब अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा काम करने लगता है। सुबह सबके घरों में न्यूज़पेपर फेंकता, दिन में मजदूरी करता और रात में चौकीदारी करता। खूब मेहनत करके किशोर ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा लिए। उसने अपनी बहन के लिए कार खरीद ली। जब वो पिद्दी के ससुराल वालों से मिलने गया तो उन्होंने किशोर से और पैसों की मांग की। इस बार किशोर हार चुका था। पिद्दी माफ करना, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं कर सकता, वो लालची लोग हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। देखो किशोर, मैं पंकज से ही शादी करूंगी। क्योंकि पिद्दी ने तो किशोर की बात न मानने की जैसे कसम खा रखी थी। किशोर ने पंकज को घर बुलाया। पंकज, तुम अपने माता पिता को समझाते क्यों नहीं हो? भैया, वो हमारी शादी के लिए मान गए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम एक काम कर सकते हैं, दहेज की रकम में से कुछ पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अरे लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे? अरे जब दुनिया को पता चलेगा तब ना। अच्छा, कुछ पैसे मैं अपने मालिक से कर्ज में ले लेता हूँ। कुछ पैसे पंकज देता है, कुछ वो कर्जा लेता है और अपनी उम्र भर की कमाई वो अपनी बहन की शादी में लगा देता है। आखिर में पंकज और पिद्दी की शादी हो जाती है। पिद्दी की विदाई के बाद किशोर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब उसका कमाने में भी मन नहीं लगता। उधारी वाले रोज घर में आकर बैठ जाते हैं। अरे किशोर, अब तो पिद्दी की शादी को 5 साल हो गए, अब तो हमारा पैसा लौटा दो। चाचा, पिद्दी के जाने के बाद किसी भी काम में मन नहीं लगता। अरे तो हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा? जी कुछ करता हूँ मैं। किशोर के ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया था, इसलिए उसने तय किया कि वो ये घर बेचकर सबके पैसे लौटा देगा। अगली सुबह शहर के किसी साहूकार को उसने अपना घर बेच दिया और सबके पैसे लौटा के वो गांव छोड़कर चला गया। पिद्दी ने शादी के बाद कभी अपने भाई का हाल तक नहीं पूछा। किशोर को फर्क नहीं पड़ता था, बस ससुराल में उसकी बहन खुश है ये जानकर उसे खुद की खुशी मिलती थी और ये सोचकर कि उसने माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। गरीब भाई की अमीर बहन। किशोर और पिद्दी दो भाई बहन थे। पिद्दी बहुत खर्चीले स्वभाव की थी, वो जितना कमाती अपने ऐशो आराम में पैसे उड़ा दिया करती। लेकिन किशोर समझदार था, घर को साथ लेकर चलना जानता था। अपनी बहन के जितना कमाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह घर का खर्च चला लेता था। एक दिन पिद्दी किशोर से कहती है, किशोर तुम थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं कमाते? मेरे दोस्त रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बहन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगले महीने रक्षाबंधन है, मुझे सोने का हार चाहिए, इससे कम कुछ भी ना लूंगी। अरे दिला दूंगा बहन। किशोर को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसकी माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है, अब वो सोने का हार कहाँ से लाएगा। अगले दिन किशोर सुबह सुबह घर से ये बोलकर निकल गया कि पिद्दी, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। किशोर ने अपने काम के साथ साथ फेरी में कपड़े बेचने भी शुरू कर दिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। रात में वो एक बिल्डिंग की चौकीदारी भी करने लगा। अपने काम से थोड़ा बहुत समय निकाल कर बस कुछ घंटे की नींद ले पाता था। और कब वो कुछ दिन एक महीने में बदल गए और रक्षाबंधन भी आ गया, पता ही नहीं चला।
लेकिन किशोर अभी तक घर वापस नहीं लौटा। जहां वो काम करता था पिद्दी के नाम का गुल्लक रखा हुआ था। किशोर ने उस गुल्लक को फोड़ा और सारे पैसे इकट्ठा करके एक सोने का हार खरीद लिया। घर में पिद्दी किशोर का इंतजार कर रही थी। तभी किशोर आता है। कहाँ चले गए थे? 4 दिन का कहा था और 1 महीने से पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैंने बस एक हार मांगा था और तुमने तो घर ही छोड़ दिया। अरे मुझे थोड़ा काम मिल गया था। कुछ नहीं, सब समझती हूँ, बहाने थे तुम्हारे। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते, कैसे भाई हो? चलो यहाँ बैठो, राखी बांधती हूँ। पिद्दी ने किशोर को राखी बांधी। वैसे ही किशोर ने अपनी बहन के हाथ में सोने का हार रख दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मिठाई खिलाए बिना ही नेकलेस लेकर चली गई और शीशे के सामने अपने गले में हार रख कर देखने लगी। किशोर ने लड्डू उठाया और खुद ही खा लिया। ऐसे कई साल गुजर गए। एक दिन पिद्दी की नौकरी छूट गई। अब वो पूरी तरह किशोर पर डिपेंड हो गई थी। आए दिन किशोर को अपने महंगे महंगे शौक गिनाकर उससे पैसे मांगा करती थी। किशोर कुछ पैसे देना, मुझे पार्लर जाना है। किशोर बिना कुछ बोले उसे पैसे दे देता। ये क्या, 500? अरे इतने में तो मुझे पार्लर में एंट्री मिलेगी बस। अच्छा देता हूँ ना ज्यादा। अरे कैसे भाई हो, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। किशोर ने जेब से 2000 का नोट निकाला और उसे दे दिया। किशोर गरीबी में रह लेता था लेकिन अपनी बहन को कभी कोई कमी नहीं होने देता था। बेटा पिद्दी तुम्हारी बहन है, उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना और उसका ध्यान रखना, क्योंकि भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ध्यान रखना। किशोर ने माँ की कही ये बात हमेशा के लिए याद कर ली थी। शायद माँ की इसी बात की वजह से किशोर पिद्दी की हर जिद पूरी करता चला आ रहा था। किशोर आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना। किशोर पिद्दी को समझाता है लेकिन पिद्दी नाराज होकर चली गई और अपने कमरे में सुबक सुबक कर रोने लगी। किशोर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पिद्दी को दे देता है। किशोर खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता लेकिन पिद्दी को राजकुमारी की तरह रखता। पिद्दी के जाने के बाद किशोर अपने काम पर निकल गया। एक तरफ पिद्दी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ किशोर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पिद्दी एक लड़के को लेकर घर आई और उसे किशोर से मिलवाया। किशोर मुझे इस लड़के से शादी करनी है, लेकिन इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनको दहेज में एक कार चाहिए, तभी वो मेरा और पंकज का रिश्ता कबूल करेंगे। लेकिन बहन कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने के बराबर तो नहीं है। अरे कैसे भाई हो तुम, अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते। देखो मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें 1 साल में मेरे लिए कार खरीदनी ही होगी। अच्छा पंकज एक काम करो, कल तुम अपने माता पिता को घर बुला लो, मैं उनसे तुम्हारे और पिद्दी के रिश्ते की बात कर लेता हूँ। अगले दिन किशोर के छोटे से घर में पंकज और उसके माता पिता आते हैं। बेटा तुम्हारी बहन ने हमारी शर्त तो बता ही दी होगी। जी बेटा तुम तो इतने छोटे घर में रहते हो, दहेज कहाँ से लाओगे? मैं अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पंकज और पिद्दी का रिश्ता तय हो जाता है। किशोर अब अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा काम करने लगता है। सुबह सबके घरों में न्यूज़पेपर फेंकता, दिन में मजदूरी करता और रात में चौकीदारी करता। खूब मेहनत करके किशोर ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा लिए। उसने अपनी बहन के लिए कार खरीद ली। जब वो पिद्दी के ससुराल वालों से मिलने गया तो उन्होंने किशोर से और पैसों की मांग की। इस बार किशोर हार चुका था। पिद्दी माफ करना, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं कर सकता, वो लालची लोग हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। देखो किशोर मैं पंकज से ही शादी करूंगी। क्योंकि पिद्दी ने तो किशोर की बात न मानने की जैसे कसम खा रखी थी। किशोर ने पंकज को घर बुलाया। पंकज तुम अपने माता पिता को समझाते क्यों नहीं हो? भैया वो हमारी शादी के लिए मान गए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम एक काम कर सकते हैं, दहेज की रकम में से कुछ पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अरे लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे? अरे जब दुनिया को पता चलेगा तब ना। अच्छा कुछ पैसे मैं अपने मालिक से कर्ज में ले लेता हूँ।
कुछ पैसे पंकज देता है, कुछ वो कर्जा लेता है और अपनी उम्र भर की कमाई वो अपनी बहन की शादी में लगा देता है। आखिर में पंकज और पिद्दी की शादी हो जाती है। पिद्दी की विदाई के बाद किशोर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब उसका कमाने में भी मन नहीं लगता। उधारी वाले रोज घर में आकर बैठ जाते हैं। अरे किशोर, अब तो पिद्दी की शादी को 5 साल हो गए, अब तो हमारा पैसा लौटा दो। चाचा, पिद्दी के जाने के बाद किसी भी काम में मन नहीं लगता। अरे तो हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा? जी, कुछ करता हूँ मैं। किशोर के ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया था, इसलिए उसने तय किया कि वो ये घर बेचकर सबके पैसे लौटा देगा। अगली सुबह शहर के किसी साहूकार को उसने अपना घर बेच दिया और सबके पैसे लौटा के वो गांव छोड़कर चला गया। पिद्दी ने शादी के बाद कभी अपने भाई का हाल तक नहीं पूछा। किशोर को फर्क नहीं पड़ता था, बस ससुराल में उसकी बहन खुश है ये जानकर उसे खुद की खुशी मिलती थी और ये सोचकर कि उसने माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया।